हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द नोबल स्टैग। एज वी ऑल नो, द किंग ब्रह्मदत्त ऑफ बनारस वॉज एक्सट्रीमली फोंड ऑफ हंटिंग। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ किंग ब्रह्मदत्त ऑफ बनारस एंड ही वॉज एक्सट्रीमली फोंड ऑफ हंटिंग। मीन्स ये एक किंग की स्टोरी है जिनका नाम ब्रह्मदत्त है और वो बनारस के किंग है और उनको शौक था। He was extremely fond of what? Of hunting. Luckily for him, on the outstrike of the city was a huge forest filled with deer. अब जिस इंसान को हंटिंग का, शिकार का शौक हो और उसके आसपास अगर कोई जंगल हो तो उससे अच्छी बात क्या होगी, राइट? सो फॉर हिम देर वॉज अ आउटस्ट्राइक ऑफ द सिटी वॉज अ ह्यूज फॉरेस्ट फिल्ड विथ डियर। बहुत बड़ा जंगल था और वहाँ पे बहुत सारे डियर थे, ओके, हरिण हरिण थे। अमोंग देम देर वॉज अ माइटी स्टैग एंड अमोंग देम देर वॉज अ माइटी स्टैग द एंड दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट द नोबल स्टैग एंड द माइटी स्टैग वॉज नोबडी बट द नोबल स्टैग। वन फाइन डे द किंग हैड गॉन हंटिंग विथ हिज कॉर्टियर्स। ही टोल्ड हिज कॉर्टियर्स, If you allow even a single deer to escape, I will punish you severely. Okay, so this was the thing that one day they were gone for hunting. Means शिकार को गए थे सभी के सब, king and the courtiers. And the king told them that अगर तुमने एक भी deer को अगर यहाँ से भागने दिया तो मैं तुम्हें punish करूँगा. Okay. So the courtiers formed a tight circle. So the courtiers formed a tight circle from which no deer could escape. So courtiers means यहाँ पे जो सैनिक थे जो राजा के साथ शिकार के लिए आए थे, उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा सर्कल तैयार किया जिससे कोई भी डियर वहाँ से भाग ना सके। अगर वो डियर कोई भी वहाँ से भागता तो किंग उसे क्या करता, उन कोर्टियर्स को पनिश कर देता। दैट्स वाई दे फॉर्म्ड अ बिग सर्कल। ओके, देन दे बिगेन टू बीट देयर स्टिक्स ऑन द ग्राउंड टू फ्रिटन द डियर हाइडिंग इन द बशेस एंड टू मेक देम रन। ओके, देन दे बिगेन टू बीट देयर स्टिक्स। ओके, उन्होंने क्या किया, जो जो उनके पास छड़ियाँ थी, जो स्टिक्स थी क्वार्टियर्स के पास, उन्होंने सर्कल फॉर्म किया एंड देन दे बिगेन टू बीट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे जोर जोर से उनकी छड़ी बजाने लग गए जिससे क्या हो गया, डियर भाग भाग के बाहर निकलने लग गए। ओके, एंड द किंग कैन हंट देम, किंग उनका शिकार कर सके इसलिए। सो द ओनली वे आउट ऑफ देयर सर्कल वॉज थ्रू द स्मॉल क्लियरिंग वेयर किंग स्टूड रेडी विथ हिज बो एंड एरोज। ओके, सिर्फ एक जगह थी जहाँ से वो डियर बच के भाग सकते थे। दिस वॉज वेयर द किंग वॉज स्टैंडिंग, किंग वॉज स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड वहीं से अगर कोई डियर भागना चाहता है तो भाग सकता था क्योंकि वहाँ पे ही थोड़ी स्पेस थी, बाकी सब जगह कर्टियर्स खड़े थे। द कर्टियर्स वेयर बीटिंग देयर स्टिक्स ऑन द ग्राउंड एंड शाउटिंग व्हेन सडनली अ स्टैग लेफ्ट आउट ऑफ द थिकेट। अभी क्या होता है यहाँ पे कि जो जो कर्टियर्स है वो अपनी स्टिक्स बीट करते रहते हैं और जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं और तभी क्या होता है, एक स्टैग रहता है वो लिफ्ट मीन्स उछल के थिकेट से बाहर निकलता है। हियर थिकेट मीन्स नथिंग बट द थिक जंगल, वी कैन से थिक फॉरेस्ट। द स्टैग सॉ दैट द किंग वॉज स्टैंडिंग इन द वे। ओके, सो द किंग वॉज स्टैंडिंग इन द वे ऑफ द स्टैग दैट यू हैव टू रन फ्रॉम देयर बिकॉज फॉर सेविंग हिज लाइफ। ओके, बट द किंग वॉज स्टैंडिंग इन हिज वे। ओके, इन द वे, सो ही लुक्ड द किंग स्ट्रेट इन द आई एंड मेड अ डैश टूवर्ड्स हिम। सो वॉट ही डिड, he looked the king straight in the eye, he was looking in the eyes of the king and made a dash towards him, aur zor zor se unki taraf bhagne lag gaya, kiski taraf, king brahmadatta king jo the unki taraf। The king was taken aback and shot an arrow towards the stag hurriedly,
और किंग हड़बड़ाते हुए, मीन्स किंग बहुत डर गया कि उस स्टैग उसकी तरफ आ रहा है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अपना एरो निकाला और स्टैग की तरफ चला दिया उनका एरो। ओके, ऑफ कोर्स इट मिस्ड द मार्क बट द स्टैग रोल्ड ओवर, और मिस हो गया, ये जो किंग का जो शॉट था वो मिस हो गया, स्टैग को नहीं लगा और स्टैग ने क्या किया, रोल्ड ओवर हो गया वो। ओके, नाउ देयर इज वन थिंग दैट यू मस्ट नो अबाउट द स्टैग, इट हैज एन एक्सीलेंट इंस्टिंक्ट्स एंड एक्सट्रीमली गुड एट डॉजिंग एरोज, वेदर शॉट एट फ्रॉम द बैक, फ्रंट और इवन द टॉप। ओके, अब यहाँ पे स्टैग के बारे में हमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या जाननी चाहिए कि स्टैग बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट इंस्टिंक्ट होते हैं, मतलब एक्सट्रीमली गुड होते हैं डॉजिंग में, मीन्स बचने में, यहाँ वहाँ भागने में, चाहे वो एरो, वो तीर कहीं से भी आने, जो शॉट कहाँ से भी आने, जो पीछे से, सामने से और ऊपर से ही क्यों ना हो। इफ़ एन एरो इज एम्ड एट इट्स बेली, इट प्रिटेंड्स टू रोल ओवर एंड देन जम्प्स एंड रन्स वंस द डेंजर हैज पास्ड। ओके, सो जब एरो उनके बेली के पास, उनके पेट के पास लगना आ रहा होता है, तो वो रोल ओवर होके जंप करके और फिर भागने लगते हैं, डेंजर खत्म होने से पहले ही वो भाग जाते हैं। सो व्हेन दिस टैग रोल्ड ओवर द किंग थॉट दैट हिज एरो हैड फाउंड इट्स मार्क, ही लोवर्ड हिज बो एंड बिगेन टू वॉक टूवर्ड्स द स्टैग। ओके, सो किंग जब भी बेली के पास जब किंग ने एरो मारा स्टैग के, तो स्टैग ने क्या किया, रोल ओवर हो गया। तो फिर रोल ओवर होने के टाइम पे किंग को ये लगा कि मेरा जो एरो है वो करेक्ट एम तक पहुंच गया है, बेली पे लग गया है, इसीलिए वो जो डियर है वो रोल ओवर हो रहा है, उसको लग गया है तीर। ओके, सो दैट्स वाई उसने क्या किया, जो अपना बो था जिससे वो मार रहा था तीर, कमान, तीर कमान, ओके, धनुष, वो नीचे कर लिया एंड वो स्टैक की तरफ भागने लग गया, स्टैक की तरफ चलने लग गया। ओके, ई बिगेन टू वॉक टूवर्ड्स द स्टैक, द स्टैक सडनली जम्प्ड अप एंड शॉट शूट पास्ट द मैन। व्हेन द कर्टियर्स रियलाइज दैट द किंग हैड बीन मिस्टेकन, दे स्टार्टेड टू लाफ। ओके, वो अब देखो, जब किंग उनकी तरफ, जो स्टैग था उसकी तरफ चल रहा था, तो फिर उसे लग रहा था कि मैंने तो स्टैग को मार दिया, और इसलिए वो एकदम स्टैग की तरफ चलते हुए जा रहा था कि हाँ अब ये मेरा शिकार मैंने कर लिया है, अब मैं इसे उठा के ले जाऊंगा। सो जब तक तो वहाँ पे पहुँचा, तब वो स्टैग जल्दी से उठ के जंप होके जल्दी से भाग गया। ओके, जब सब कर्टियर्स को ये रियलाइज हुआ कि किंग का शॉट नहीं लगा, तो सब हंसने लग गए। नाउ द किंग थॉट हिमसेल्फ टू बी एन एक्सीलेंट मार्क्स मैन एंड कुड नॉट बियर द टॉन्ट्स ऑफ हिज मेन। ओके, अब किंग को ऐसा लगता था कि वो बहुत बड़ा तीरंदाज है, बहुत बड़ा मार्क्स मैन है। ओके, एंड सारे लोग उस पर हंस रहे थे, सारे लोग टॉन्टिंग कर रहे थे, सो ही कुड नॉट बियर, उसको अच्छा नहीं लगा, वो सह नहीं पाया। ही ग्रैब्ड हिज स्वॉर्ड एंड सेट ऑफ इन टू द फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू कैच द स्टैग, और वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने अपनी स्वॉर्ड ले ली, मीन्स उसके तलवार ले ली साथ में, और निकल पड़ा जंगल में उसी स्टैग का शिकार करने के लिए, जिसकी वजह से सारे लोग उस पर हंस रहे थे। ही चेज द स्टैग फॉर अ क्वाइट एंड वाइल फॉर अ क्वाइट ए वाइल एंड कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, वो जंगल में ढूंढता ढूंढता निकल गया स्टैग को, और बहुत दूर तक ढूंढते रह गया। नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंड वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू हैव टू जस्ट वॉच द वीडियो एंड रीड द चैप्टर। थैंक यू।